उसकी कंडीशन भी देख सकते हैं और उसकी वजह से देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ायज़ा कार स्क्वाड। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ हसन मोटर पे, जहाँ पे मैं आपको इंतहाई खूबसूरत गाड़ी का रिव्यू करवाऊँगी और इस गाड़ी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं हसन मोटर्स का नंबर भी डाल दूँगी ताकि इस गाड़ी से रिलेटेड आप किसी भी चीज़ की मालूम चाह रहे हैं तो आप ईज़िली ले सकें। जो इंतहाई खूबसूरत गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टोयोटा लैंड क्रूज़र 98 का ये मॉडल है और आर्मी ऑक्शन गाड़ी है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत ये गाड़ी है और फ्रंट से बहुत ही एग्रेसिव लुक आपको देगी। आप इसकी ग्रिल और फ्रंट जो इसका बम्पर लगा हुआ है उसकी कंडीशन भी देख सकते हैं और उसकी वजह से देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रंट पे अगर बात की जाए इसकी लाइट्स की, तो लाइट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको इसकी लाइट मिल रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट ग्रिल के क्रोम की, तो उसमें आपको किसी किस्म के स्क्रैचेस नज़र नहीं आएंगे। जो क्रोम इसमें इंस्टॉल्ड है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और इसकी शाइनिंग अभी भी बरकरार है। इसके अलावा जब ये गाड़ी ऑक्शन होकर आई थी, चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी ऑक्शन है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो ऑक्शन के टाइम पर जो इस गाड़ी में इंस्टॉल होकर चीज़ें आई थी वो एज इट इज़ हैं। गाड़ी आपको फ्रंट से बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है और आप फ्रंट में देख सकते हैं कि जो इसको मॉडिफाई किया गया था, जो चीज़ें इसमें लगी हुई थी वो एज इट इज़ अपनी कंडीशन में आपको मिलेंगी। फ्रंट के बाद चलते हैं हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप इसके फेंडर की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको इसका फेंडर मिल रहा है। बात की जाए टायर्स की, तो टायर्स आपको 80-90% मिल रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में इसके टायर हैं जिसमें अलार्म इंस्टॉल्ड है। इसी के साथ टायर की कंडीशन दिखाते हुए मैं आपको गाड़ी की राइट साइड के डोर की कंडीशन दिखाऊंगी। तो बात की जाए अगर गाड़ी के राइट साइड डोर की, तो राइट साइड का डोर आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। ड्राइविंग डोर के बाद मैं आपको इसके बैक साइड वाले डोर की कंडीशन दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि इसके बैक डोर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी का बैक डोर दिखाने के बाद इसके फुट स्टेप की अगर कंडीशन की बात की जाए, तो गाड़ी का फुट स्टेप की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ मैं आपको बाहर से गाड़ी का जो बैक कैबन है उसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बैक कैबन की कंडीशन भी वीडियो में नज़र आ रही होगी। इसी के साथ अगर बात की जाए गाड़ी के बैक साइड, तो गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल भी आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है जिसमें स्पेयर टायर भी इंस्टॉल्ड है। थ्रू आउट मैं आपको इसकी लाइट्स की और ओवरऑल बैक की कंडीशन दिखा देती हूँ। गाड़ी आपको बैक से भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगी। स्पेस थोड़ी कम है लेकिन मेरी कोशिश है कि गाड़ी आपको बैक साइड से भी दिखा दी जाए। गाड़ी की राइट साइड और बैक साइड दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की लेफ़्ट साइड की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। गाड़ी आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में मिल रही है व्यूअर्स, आप थ्रू आउट देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो राइट के बाद और बैक के बाद बात की जाए अगर गाड़ी की लेफ़्ट साइड प्रोफाइल की, तो गाड़ी की लेफ़्ट साइड प्रोफाइल की भी आप कंडीशन देख सकते हैं जिसमें आप इसकी इस टायर की कंडीशन भी देख सकते हैं और ओवरऑल डोर्स वगैरह की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी के फुट स्टेप की इस साइड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है और गाड़ी के जो डोर्स हैं और डोर हैंडल्स जो हैं जिनमें क्रोम इंस्टॉल्ड है वो भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। इसी के साथ अगर बैक व्यू मिरर की बात कर दी जाए, तो बैक व्यू मिरर जो है उसमें क्रोम इंस्टॉल्ड है और वो आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। गाड़ी के एक्सटीरियर के बाद अगर बात कीजिए गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के एक्सटीरियर में बताया कि गाड़ी के एक्सटीरियर बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो इंटीरियर में अगर मैं दरवाजे की बात करूँ, तो दरवाजे की जो साइड्स हैं और ओवरऑल जो डोर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, स्क्रैचलेस का डैशबोर्ड है, LED पैनल इंस्टॉल्ड है, गाड़ी का जो AC है वो वर्किंग कंडीशन में आपको मिलेगा और ओवरऑल सीट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको सीट मिलेंगी जो कि फैब्रिक में है और ओवरऑल गाड़ी आप देख सकते हैं मैट्स वगैरह भी इसमें रखे हुए हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी जो है ये व्यूअर्स अंदर से विड्थ में बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी के बैक डोर की कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, साइड से आप दरवाजे की कंडीशन भी देख सकते हैं और गाड़ी के पिलर्स की कंडीशन भी आपके सामने है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी का इंटीरियर भी मिल रहा है। ओवरऑल मैं आपको इसकी कंडीशन अंदर से दिखा देती हूँ। इसी के साथ अगर छत की बात की जाए, तो गाड़ी की छत के अंदर से कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में इसका छत है। गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है जो कि आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी का बैक कैबन भी है, तो बैक कैबन की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ और उसमें जो सीट्स हैं इंस्टॉल्ड हैं उनकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम सीट्स के साथ आपको सीट्स बेल्ट भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन की ये गाड़ी है और गाड़ी की स्पेस, लेग स्पेस और हेड स्पेस इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये गाड़ी मोस्टली जो है ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल आपको रहेगी, आप अगर लंबे सफ़र पर भी जाना चाहें तो। गाड़ी का एक डिटेल ओवरव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ, फ्रंट से एक दफ़ा फिर मैं आपको गाड़ी दिखा देती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि LED पैनल भी इंस्टॉल है। गाड़ी का जो 4x4 है वो आपको फंक्शन मिलेगा। और फ्रंट से भी आप गाड़ी एक दफ़ा देख लें और बैक से भी मैं आपको गाड़ी की एक दफ़ा कंडीशन फिर दिखा देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाने के बाद बात की जाए अगर गाड़ी के इंजन रूम की, तो गाड़ी का इंजन रूम आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, जिसमें ओवरऑल आप इसकी साइड्स की कंडीशन और फ्रंट की पट्टी की कंडीशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में इसका इंजन रूम आपको मिलेगा, जिसमें न्यू बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं। इंजन वाइज और सस्पेंशन वाइज गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं है, बस जैसे आप गाड़ी को लें और ड्राइव करें। व्यूअर्स, तो बात की जाए खूबसूरत गाड़ी की डिमांड की, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर आप रब्ता करके गाड़ी की डिमांड और इसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या हसन मोटर्स ओल्ड एयरपोर्ट पे आप विजिट करके गाड़ी को फिजिकली चेक भी कर सकते हैं और इसकी डिटेल वहाँ जाके भी ले सकते हैं। तो इस खूबसूरत गाड़ी के साथ मेरी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुँची। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।